आज क्या कर रहा है? नहीं। कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा तो मैं जाती हूँ, थोड़े बकरी बकरी को दूध पिला के आ जाती हूँ। हेलो कर लेती सबसे। हेलो हेलो बोलो। हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को। फ्रेंड्स आज मैं ऐसे मार्केट गया था तो लेके आया 1 किलो मटर और एक गाजर और हाँ 1.5 किलो गाजर। तो गाजर तो मेरे को दी 30 रुपए किलो। अच्छा। और मटर दिए 40 रुपए किलो। तो अभी एक अजी अभी सब्जी बनाने वाली है तो, और सर्दी बहुत अच्छे से पड़ रही है तो आपने स्वेटर क्यों खोला? तो इसलिए तो फ्रेंड्स मैंने तो स्वेटर पहन लिया क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। मेरा स्वेटर क्या पुराना हो गया बहुत ज्यादा तो। अच्छा। इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा थोड़ा वीडियो में। अच्छा, पुराने से क्या है, सर्दी से बचाना है या पुराना नया दिखाना है? इसलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सर्दियाँ चल रही है तो गाजर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो गाजर और मटर खाना चाहिए सर्दियों के अंदर। हाँ, और अच्छा से वीडियो बनाओगे ना? वीडियो बनाऊंगी मैं गाजर की सब्जी का। वैसे तो आ चुका है, पहले 1-2 साल पहले बनाया था, लेकिन थोड़ा सा हट कर बनाऊंगी। तो अभी इस बार वो काफी एक्सपर्ट हो गई है रेसिपी बनाने में, पहले टाइम मतलब तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गई पहले से। अच्छा। तो बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा आज देसी स्टाइल में, गांव की स्टाइल में हमारे कैसे क्या बनाते हैं वो आज मैं चूल्हे पे बना के दिखाने वाली हूँ आपको, गाजर मटर की सब्जी। और जब से उससे पहले बना सोनू और मोनू को दूध पिला देते हैं। दूध पिला देते हैं फिर बनाएंगे गाजर मटर की सब्जी। कब से आवाज लगा रहे हैं? तो फ्रेंड्स उनको अंदर बांट दिया है पिंजरे के अंदर, क्योंकि वो आ चुकी बकरियां चर के, तो वो आते ही दूध पी जाते हैं, इसलिए लेट पिलाना है इनको इसलिए। और मम्मी गई है खेतों में मोनिका सोनिका बुलाने के लिए कल की तरह आज भी, तो चलो दूध पिला देते हैं। चलो चलो सोनू मोनू इसमें इसमें मोनूड़ी चलो चलो भाई, अब इनको पिलाना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है कि कौन ज्यादा दूध नहीं पी जाए, वरना एक भूखा रहेगा तो रमण हो जाएगी। रमण हो जाएगी भाई, पर वो रमण होगी रे। तो फ्रेंड्स कल हम सब्जी में भी गए थे एकता जी, और आज का भी प्लान है, लेकिन सब्जी बना तो ले पापा नहीं जाएंगे तो पापा के लिए सब्जी बना दिए। और आज सब रात की भी सब्जी है और सुबह की सब्जी भी है। क्योंकि सर्दियों में सब्जियां खराब नहीं होती फ्रेंड्स, तो हम बाजरे तो काफी कमेंट भी आ रहे हैं कि गोट मिल्किंग बनाऊं। गोट मिल्किंग कैसे बनाएंगे, ये बच्चे भूखे रह जाएंगे जिस दिन हम बकरी का दूध निकालेंगे, तो उस दिन बच्चे भूखे रह जाएंगे हमारे। अभी तो दूध अभी मार्केट से लाने लग गए हैं, कम पड़ने लग गया दूध लक्ष्मी मेरे रोज, अब 30 रुपए लगने लग गए मेरा। एक टाइम ही निकलवाती है वो दूध, अभी शाम के टाइम निकालेंगे तो थोड़ा होता है। तो अभी 1 किलो दूध लेना स्टार्ट करेंगे। जब मोनिका के अच्छा सा बेबी हो जाएगा तब दूध की कमी नहीं रहेगी हमारे। और थोड़े बच्चे बड़े होंगे तभी हम गोट मिल्किंग बनाने का वीडियो बनाएंगे, अभी छोटे हैं ये बेचारे, ये भूखे रह जाएंगे तो इसको खाने नहीं जानते अभी। आयुष सोनी को इधर नीम की डालिया डाल दिए तो वो इधर खा रहा है। तो हमारा टोनी खाना खा रहा है अभी। तो बोड़ी लेके आते हैं खाने के लिए, और नीम लेके आते हैं, और अभी कुट्टी खिलाएंगे बकरियों को। कुट्टी रखेंगे अभी। और ये देखो इस बकरी के लिए क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लौंग, लौंग, जो खेजड़ी होती है ना उनके लौंग। हाँ, लौंग लौंग भी खिलाते हैं बकरी को लौंग। तो लक्ष्मी के उनके लिए मैं वो जो होती है ना कुट्टी वो तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो आने वाली है। तो दिया क्या कर रही है? दिया आजकल ये भी नीम खाती है। आजकल दिया नीम खा रही है, सभी नीम खा रहे हमारे, तो बकरियां कम गाय ज्यादा खा रही है, गाय ज्यादा नीम खाती है हमारे तो बकरे। अच्छा, ये फायदेमंद है उनके लिए तो नीम के पत्ते। तो अरे दिया, ये दिया से पूछो। अरे दिया, दिया के बहन आएगी या भाई आएगा ये तो दिया ही जाने। आओ मोनिका, आयुष आ गया। आयुष अरे मोनिका के इतनी चलो, अरे तू बेटा मारेगी। अभी सिर्फ एक ही टाइम दूध दिलाती है, मॉर्निंग में नहीं दूध पाते ना।
मॉर्निंग में नहीं दूध निकलवाती है, बस सिर्फ एक टाइम है, अभी कभी भी दूध देना बंद कर देगी कभी भी, है ना जी। अब वैसे मोनिका पे आस लगा के बैठे हैं, अब हम सोच रहे हैं अब एक सोनिका लानी पड़ेगी हमें वापस, है ना। अरे गन मत चलाओ, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं गन चलाते हो क्या? नहीं आयुष नहीं, ओ बस बस बस, ओ बस। तो फ्रेंड्स गाजर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि ज़्यादा धनिया से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है गाजर की सब्जी में। यहाँ पे लिए मटर, तो यहाँ पे मटर लिए अच्छे से, इसको छील के पानी में डुबो दिया है दोनों, वैसे तो पहले धो लिए थे लेकिन पानी में फिर भी डुबो के एक बार निकाल लेंगे। और यहाँ पे गाजर को कट करके पानी में डुबो दिया। यहाँ पे एक नींबू लिया है, नींबू से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इस सब्जी के अंदर। तो यहाँ पे दो टमाटर कट कर लिए मैंने, और इसके नीचे ये लिया है मैंने लहसुन और हरी मिर्ची, इसको इसके अंदर कूट लेंगे और फिर अपन बनाना स्टार्ट करें। तो तेल अपन कोई सा भी यूज़ में ले सकते हैं, और जीरा भी बाकी है तो मसाला चम्मच ले ली ओनली, और नमक नहीं लिया, नमक अपन पहले बाद में डालेंगे तो उसके लिए मैं इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो चलिए अपन गाजर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर की सब्जी बनाने वाली हूँ यहाँ पे चूल्हे के ऊपर, तो अब चूल्हा जला लूँगी और यहाँ पे ये पतीला रख दिया सब्जी बनाने वाला, तो यहाँ पे एक को भी आके बैठ गया है। तो अभी शाम का टाइम फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट कम से कम इसको ढक के पका लिया, आप देख सकते हैं ये पक चुके हैं, दिखने में लग रहे हैं आधे पक चुके हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर एक नींबू का रस, इससे स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा, चटपटी बन जाएगी अपनी सब्जी। देख सकते हैं सब्जी देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मसाला इनके लग चुका है, और स्वाद को पूछो मत, बहुत अच्छा आने वाला है स्वाद। तो आज मैं अपने बिल्कुल गाँव के स्टाइल में, देसी स्टाइल में बना के दिखा रही हूँ आपको कि कैसे हम बनाते हैं गांव के अंदर सब्जियां। अब इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, तो धनिया से फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा इसके अंदर, और थोड़ा सा ज़्यादा भी लीजिएगा ताकि सब्जी अपनी बहुत ही अच्छी लगे। और एक काम चाहिए सबकी, हमारे सोनू मोनू सबकी आवाज़ आती रहेगी इस वीडियो के अंदर आपको। तो फाइनली अपनी सब्जी बन चुकी है, अब मैं यहाँ पर डाल दूँ गर्म मसाला, फिर अपनी सब्जी जो है बनके तैयार है। अभी जा ये देखिए, फिर से एक बार और फिर से आपको दिखाना चाहती हूँ कितनी अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ नीचे और ढक देते हैं ना।